नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ एचटी न्यूज में। जिस तरह से अभी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिनका लखनऊ आगमन है और राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया उनको कांग्रेस कमेटी का। तो आइए जानते हैं, जिस तरह से आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे, सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो उत्साह पूरी राजधानी में आज देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद है पार्षद अमित चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता भी है। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आप स्वागत करेंगे प्रियंका गांधी का। हम लोगों ने स्वागत की व्यवस्था करी है। माननीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, ज्योतिराव सिंधिया जी के लिए हम लोगों ने लखनऊ वासियों और हमारे महात्मा गांधी के शहर वासियों ने पूरे स्वागत की जोर से व्यवस्था कर रखी है। फूल मालाओं और बुके से हम उनका स्वागत करेंगे और निश्चित तौर पर ये लखनऊ और देश में बदलाव की स्थिति अब पैदा हो गई है। युवा जाग गया है, ये सच्चाई है और झूठे मक्कारों की सरकार से युवा जाग गया है। तो जिस तरह से युवाओं का जोश आज पूरी राजधानी में देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या 19 के चुनाव में इसका असर होगा? निश्चित तौर पर 2019 में बदलाव आएगा और ये युवा मिलकर हमारे देश में बदलाव लाएगा। तो किस तरह से स्वागत कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता? बहुत ही जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं हम सब मिलकर प्रियंका जी का। और उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा और पहली बार देखा भी जाएगा और लोग सब उत्साहित हैं और सब लोग यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि देख रहे हो हमारी स्क्रीन पे कि समय सारे कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी राजधानी में जिस तरह से छा गए हैं, जिस तरह से प्रियंका गांधी राहुल गांधी का जो बैनर और पोस्टर देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं 19 का चुनाव भी देखने को मिलेगा कि किस तरह होगा। आइए हम लोगों से जानते हैं कि क्या राय है उनकी प्रियंका गांधी के बारे में। बहुत बढ़िया। तो क्या 19 के चुनाव में प्रियंका गांधी यहाँ से रहेंगी? हाँ। तो जैसा कि 19 का चुनाव भी आने वाला, जिस तरह से लखनऊ आगमन पे आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से जगह जगह पूरी राजधानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो स्वागत लगाया गया है, देखते हैं प्रियंका गांधी का किस तरह से आगमन होता है राजधानी में। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।